वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर सब ठीक है। इस टाइम सुबह के बजे हैं 8, डेट है 21 सितंबर, दिन है मंडे। तो रौनक का है आज इंग्लिश का पेपर। तो अभी रौनक यहीं था, ये देखिए यहीं बैठा था ब्लैंकेट में, अभी चला गया है। तो फ्रेश वगैरह हो जाएगा वो सब कुछ ही, तो उसके बाद वो दे देगा पेपर। दो पेपर होंगे 9:30 बजे से, अभी 9 बजे से, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 10:30 बजे तक, फिर 11 बजे मॉर्निंग। सुबह लेट हो गई थी मैं, 7 बजे ही उठी मैं भी, तो रौनक को भी मैंने सोने दिया। तो इस टाइम जैसे मैंने उसको उठाया, मतलब कि 7:30 बजे रौनक को उठाया, फिर मैं चली गई मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी ही गई, ज़्यादा दूर नहीं गई ही, यहाँ तक ही जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद फिर आई, पानी वानी मैंने पी लिया है सुबह ही, तो अब रौनक के साथ बैठूँगी एक घड़ी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा रिविजन ऐसे ही चलता फिरता। तो मेरे वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, जो लोग मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो पे कमेंट दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कि चलिए माना कि गलतियां भी होती है, उतनी अच्छी वीडियोस भी नहीं बन पाती है, डेली व्लॉग्स है तो इसमें हम वही दिखा सकते हैं जो हम दिन भर करते हैं। तो कोई लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एडवाइस भी देते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद। रौनक अभी आया नहीं है, रौनक को बुला दूंगी। जिस दिन उसका पेपर होता है उस दिन वो बाथरूम में बैठा रहता है मज़े से, इसको पता है अभी कि मम्मी इसको पूछेगी। तो हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, रौनक को यहाँ थोड़ी देर बिठाऊंगी, फिर थोड़ा सा उसको जितना होता है करवा दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह अभी वो कुछ खाएगा तो नहीं, तो पेपर के बाद ही उसको ब्रेकफास्ट दूंगी। मिलती आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आपसे पूछा था। हमारा क्रिकेटर है जी मुंबई इंडियंस के कैप्टन। कौन है? रोहित शर्मा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि रौनक का फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो इसका फेवरेट क्रिकेटर है रोहित शर्मा। तो रौनक के ना बदलते रहते हैं, पहले पहले उसको विराट कोहली पसंद था, अब उसको रोहित शर्मा, कुछ दिनों बाद कोई और होएगा, परमानेंट एक नहीं, परमानेंट हो गया है। हाँ जी, अब परमानेंट है, फाइनल है, क्योंकि इसके ऑक्यूपेशन भी चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे ही बदलते रहते हैं। तो मुंबई इंडियन इसकी फेवरेट टीम है, मुंबई इंडियन। मुंबई सबसे पहले आते हैं हैदराबाद की टीम, उसके बाद आती है मुंबई इंडियंस। अच्छा, अब पहले हैदराबाद की आ रही है फिर मुंबई इंडियन। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, 9 बजने वाले हैं, थोड़ा सा स्टडी, फिर उसके बाद रौनक पेपर दे देगा, फिर मिलूंगी आपसे दिन को।
रौनक के पेपर देने के साथ साथ मेरी सब्जी भी हो जाएगी कट, और ये वही कद्दू है जो मैंने कल ले लिया था, तो मैं इसको बना दूंगी। मैंने उतना ही लिया है जितना एक टाइम हम तीनों के लिए सब्जी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बन जाती है, फिर कोई खाता नहीं है। तो फटाफट से रौनक का हो जाएगा पेपर और मैं यहाँ पर सब्जी अपनी कट कर दूँगी। नहीं वो ले आना जरूर, बेसन अगरबत्ती मैगी ले आना, और रौनक का पेपर हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि रूम की सफाई तो मैंने पहले ही कर दी थी, तो आज मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दूँगी। इसमें बहुत सारे डब्बे ऑयल वगैरह के जो पुराने हो चुके हैं वो भी मैं साइड में रख दूँगी, और ये भी है एक दवा का पैकेट, इसको भी साइड में रख दूँगी। तो इसको मैं कॉलिन से अच्छे से शीशा चमका दूँगी यहाँ पर, तो काफ़ी डस्ट सी आ जाती है, तो फटाफट से मैं इसको क्लीन कर दूँगी बस। बाकी मैंने सफाई कर दी थी, यहाँ पे ऊपर को भी है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, यहाँ पे सारा ही साफ़ कर दूँगी। लहसुन प्याज मैंने कट कर दिया है, तो फटाफट से मैं बना दूंगी पुलाव। चलिए आप भी देखिए कैसे बनाती हूँ मैं पुलाव। यहाँ देखिए मैंने कितने सारे बर्तन यहाँ पे भी ये देखिए धो के रखे हैं, पीछे उसमें भी बर्तन है, इसमें भी बर्तन धुले हैं, तो इनको मैं साइड में रख दूंगी, बाद में लगाऊंगी इनको जहाँ पे लगेंगे। बाल मेरे गीले हैं अभी हल्के, तो चलिए फटाफट से पुलाव बना देती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी। मलका और आलू का पुलाव बनाऊँगी मैं, सिंपल पुलाव। न्यूट्री वाला भी अच्छा होता है, लेकिन न्यूट्रिया ख़त्म हुई है तो वो लानी पड़ेगी। अभी शॉप नज़दीक है, तीन शॉप है यहाँ बिल्कुल नज़दीक, आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कभी तीनों शॉप्स। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ। तो सफाई करने के बाद मैं नहा गई थी फटाफट से, तो बना दूंगी मैं यहाँ पे सिंपल सा पुलाव मलका के बीच। काफ़ी यमी होता है मलका के बीच का पुलाव, रौनक भी पसंद कर लेता है, मुझे भी ठीक ही लगता है, तो जल्दी जल्दी में फटाफट से ये बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने तड़का अपना तैयार कर दिया है, इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी अपने आलू। आलू ऐड करने के बाद मलका और राइस इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा इसको भूनूंगी और फिर वैसे ही सिंपल जैसे बनता है पुलाव इस पर लगा दूंगी सीटी, और बन के हो जाएगा ये तैयार। हाँ जी, खाना खा लिया? क्या खाया तुमने आज? रंगी की दाल, चावल, लस्सी खाई उन्होंने। लस्सी कहाँ से की थी तुमने? मेरे लिए नहीं लाई लस्सी? अच्छा जी, अब यहाँ पे नीचे क्या कर रहे थे तुम? पेपर कैसे हो तुम्हारा? रौनक इधर देखो, द्विज का कैसा गया बेटा? अच्छा, दोनों के पेपर अच्छे गए हैं भाई, हर कुछ ही अच्छे जाते तुम्हारे पेपर है ना? तो इन दोनों के पेपर हर कुछ ही अच्छे जाते हैं, अभी अच्छे जाते हैं, वो उस दिन पता लगता है जब रिजल्ट आता है। तो चलिए मैंने भी अंदर पुलाव डाला है, अभी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने दूंगी, उसके बाद उसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी और फिर हो जाएगा हमारा पुलाव बनके तैयार। धूप लग गई अंदर, तो ये वाला कमरा बहुत गर्म हो जाता है, तो अब हम खाना वगैरह खाएंगे और अंदर वाले कमरे में घड़ी रेस्ट कर देंगे, तो मेरा पुलाव भी बन जाएगा, बस थोड़ा सा पानी डालना और वो रेडी हो जाएगा। तो सुबह बनी थी कद्दू की सब्जी, पम्पकिन की सब्जी, तो अभी बन गया है मेरा पुलाव। शाम के लिए मैं दाल रखूँगी डाल के, क्योंकि फिर सूखा सूखा हो जाता है, रौनक को दाल चावल भी चाहिए होता है, तो शाम को आज मैं दाल के साथ फुलके बना दूँगी, दाल बनाऊँगी कोई इसके लिए। तो चलिए मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद।
4:30 हो गए हैं, मैं सो गई थी मज़े से, तो रौनक तो खाना खा के आया था, मेरी बिंदी भी निकल गई है तो मैंने भी नहीं खाया, मुझे भूख ही नहीं थी, दोनों बच्चे आगे से खा के आ गए थे, तो अब मेरा मन है खाना खाने का। मैंने पुलाव ज़्यादा बना के रखा, मुझे लगा बच्चे खाना खाने आएंगे, तो आज उन्होंने वहीं पे ही खा लिया, तो अब बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि चाय के साथ फिर पुलाव ठंडा ठंडा जैसा अच्छा होता है। चलिए चाय बनाते। ये है 5 बजे का व्यू, आज मौसम ख़राब हो गया पूरी तरह से। थंडरिंग हो रही है, लोगों का घास फेंकने वाला है, लोग फटाफट से अब अपना घास इकट्ठा कर देंगे। और ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं शॉप, यहीं पे ही है शॉप साइड में, रौनक ने लेस खाना है, यही है बस शॉप, यहाँ से जाएंगे ये थोड़ा सा आगे, और ये देखिए यहाँ पे है शॉप। हाँ अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गए थे, तो यहाँ से जाएंगे अब ये। और ये देखिए गाय चरने आ गई है, फिर इसको मैं रोटी दे दूंगी अभी। मुझे थोड़ा डर लगता है गाय के नज़दीक जाने से, तो हस्बैंड को बोल दिया मैंने। ये देखिए थोड़ा दूर ही रहना हो जाता है मानने वाले। ये कितनी क्यूट गाय है। हाँ मैं भी गाय हूँ, नीचे ना गिरी हो। ये देखिए कितनी क्यूट है, और ये फूल भी खाती है। फूल नहीं खाई हो है ना, गंदी बात होती है ना। हाँ जी बोलो, हाँ जी, हाँ वेरी गुड। क्या नाम है आपका है? अब नहीं है कुछ नहीं, जाओ अब जाओ, उधर देखो रास्ता, उधर से जाओ जाओ जाओ, चलो। ये नहीं है खाने का, इसको ना लेज दिख रहा है, लेज खाने की आ रही है, ये मेरा बेटा खाएगा, अब जाओ। बोल के सुन दिया, जाने लगी, जाओ 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 जाओ। और यहाँ पे देखिए हरा हरा घास खाती है पूरा दिन, डेली आती है, इसका यही है इसका एरिया पूरा। मौसम बिल्कुल ही खतरनाक प्रचंड। और ये देखिए यहाँ पे हमारे महान हस्ती, ये देखिए। तो मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया है, अभी अब खाऊंगी जाके मैं खाना, रौनक खाएगा लेज। ये देखिए हस्बैंड, ये देखिए सो के उठ के शक्ल ऐसी ही होती है, शक्ल से क्या लेना, जो मुझे पसंद करते वो मुझे ऐसे भी पसंद करेंगे, जो नहीं करते वो नहीं करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए तो ये है रौनक का फेवरेट लेस, आज इसको हमने नहीं छोड़ा, डर लगता है क्योंकि अब कोरोना के केसेस आसपास ही आने लग गए हैं, है ना, तो शायद यहाँ पे भी है, एक नज़दीक में ही आया हुआ, ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ, पर डर लगता है, रौनक को भी छोड़ने से डर लगता है, तो इसलिए हस्बैंड चले गए थे। अब बना दूंगी मैं चाय, वीडियो का भी कर दूंगी मैं यहीं पे ही एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा लंबा। इसके बाद थोड़ा रौनक का भी स्टडी का रहता है, तो रौनक खा लेगा लेज, मैं पी लूँगी चाय। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं वो पुलाव खा लूँगी, क्योंकि रौनक जो है आज अपने फ्रेंड के घर से ही खा के आ गया था, तो ये मेरा भी फेवरेट है, पर अब उतना अच्छा नहीं आता है जितना पहले शुरू शुरू में आता था। तो ये रौनक खा लेगा, खाना इसने खा लिया है, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप भी करो बाय बाय।